सतनाम वाहेगुरु जी कई बार नमस्कार दंडौत वंदना अनेकां बार मथा टेकना नमस्कार अनेकी बार नमस्कार दंडौत वंदना सर्व कला समर्था सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु जियो नानक दे कर हाथ मेरे दीन दर्द दुख पंजना कट कट ना देना शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी आयो परयो ते सरनाई नानक नहीं प्रभ बेनती अपनी भगती लायो नानक दी प्रभ बेनती अपनी भगती लायो सतगुरु ने मंगया कि अपनी भक्ति सिमरन असी मंगदे आ दाता दाते नूं नहीं मंगदे गुरमुख प्यारियो दाता मंगदे हां जिहड़ियां रह जाणियां इत्थे जिन्हें दाते नूं मंग लिया दाता नाल ही आ जाणियां दाते नूं मंगिया करो फिर दाता नाल ही आ जाणगियां गुरु रविदास समर्पित डेरा जिथे अज गुरु नानक पातशाह दा 550वां प्रकाश दिहाड़ा बड़ी धूमधाम दे नाल संगत दे सहयोग नाल 11 अखंड पाठ साहिब भोग पाए गए ने खुले दबान अंदर बाबा जी दे तपो संते हुण कीर्तन दरबार हर सो ही राजा अड़के 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 करे अन की आस करे अन की आस दूजक जाएंगे सतपा के रविदास ते नर दूजक जाएंगे सतपा के रविदास सदियां तो बाद संगत दा सहयोग बापू हंसराज की कृपा नौजवान मैनू भी दिखा रहा मोबाइल से संगतां नूं बेइज्जती आ घर बैठे विदेशों में भी देख सकते हो बाबे हंसराज दरबार का कुकर बापू हंसराज दरबार का पंखारी बापू हंसराज दरबार का मंगता संगतां दे विच महिमा कर रहा है क्यों असी मंगते हाँ मंगता ने मंगना ही है जे मंगता बन के मंगांगे तो फिर तोड़ नहीं रही परमात्मा बड़ा दयालू है आओ गुरु नानक पातशाह शब्द पढ़िए गुरबाणी सारियां रसना पवित्रता करनिया बोल सकते हो पर एक गल याद रखना जिदा कहिंदे ने जीभा नाम जपणे नूं लाई अखियां दर्शन नूं
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰ सारे जप लो मैं कड़ा रागी ढाडिया में मेनू वधिया गाना आउंदा तुसी सारे मेरे नाल वधिया बोल सकते हैं कहते पवित्र सुनते पवित्र सतगुरिया पर पूरे सतगुरु जी कहते कन्ना ना सुन लेना तो जीबा ना जप लेना सारे ही सिद्धि का गल है चढ़िया जी अज सच दा चंद्रमा चढ़िया जी अज सच दा चंद्रमा सचिदा चंद्रमा चढ़िया जी अज सचिदा चंद्रमा चढ़िया जी अज सचिदा चंद्रमा चंद्रमा चढ़ता है पंद्रह दिन बाद फिर अधेर हो जाता है वो भी पूरा नहीं चढ़ता टाइम टाइम ना चढ़ता ये जड़े जग गुरु होंगे है चौबीस घंटे अठो पैर चमकते दमकते है सतगुर नानक प्रगटिया सतगुर नानक प्रगटिया सतगुर नानक सतगुर नानक प्रगटिया सतगुर नानक प्रगटिया सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी तंद जग चानन हुआ अज चढ़िया जी अज सच दा चंद्रमा चढ़िया जी अज सच दा चंद्रमा सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तंद जग चानन हुआ साध संगत सतगुरु नानक देव महाराज की महिमा जेदा ब्याह ओदियां घोड़ियां अज गुरु नानक देव का प्रकाश दिहाड़ा डेरा संत बाबा हंसराज जी गुरु रविदास तीर्थ का सचखंड पड़वा विखे मनाया जा रहा है जिते बाबा पैर तरे जिते बाबा पैर तरे जिते बाबा पैर तरे जिते बाबा पैर तरे आसन खाप सो आजी अज सच दा चंद्रमा चढ़े आजी अज सच दा चंद्रमा
पूजा आचा तपन सो सान सब जग दे नानक आदमते को कर कर अंदर धर्म साला होवे सतगुर सदा बसोआ बाबे तारे चार चक बाबे तारे चार चक बाबे तारे चार चक बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ जीत सच का चंद्रमा चढ़िया जीत सच का चंद्रमा गुरमुख कल बिच प्रगटुआ गुरमुख कल बिच प्रगटुआ गुरमुख कल बिच प्रगट हुआ गुरमुख कल बिच प्रगट हुआ चढ़े आजिया सची का चंद्रमा चढ़े आजिया सच का चंद्रमा साध संग जीओ धन बापू हंसराज तुसी एडी वड्डी कृपा कीती आ तुहाडे तपो संते गुरबाणी दा जाप गुरबाणी दी महिमा गुरबाणी दा सत्संग जिथे आओ 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 ते धरती पूजण वाली जिते चरण संतान पाए धरती पूजन वाली जिते चरण संतान पाए धरती पूजन वाली जिते चरण संतान पाए धरती पूजन वाली जित चरण संतान पाए मैं गुरबाणी बोलनी है गुरबाणी तो बाहर नहीं बोलूंगा जेकर मैं बाहर बोलूंगा तो फिर मैं वो भी दसांगा पर इस वेले मैं नाल नाल दसना पखंडिया लोगों नूं पखंडिया लोगों नूं मैं दसना जेड़े तुसी संतां तों बरखलाफ हो तुसी बाणी पढ़दे जरूर आ पर तुहाडे ते बाणी दा असर कोई नहीं ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਯਾਰ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਦਾਸ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਰੁਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ
सरमाएदारां दी तनाडां दी धरती नहीं है, ये धरती साध कहिंदे इत्थे संत आए सन, ये धरती नूं इक वेले भाग लग जाणे है, ये धरती ने अजागर हो जाणा है, इत्थे संगतां ने आउणा जाणा हो जाणा है, ते तां करके मत्था टेकिआ गज के आखो सतनाम बाबे नानक तों बड़े सुखाणे हुंदे आ। असि कहिंदे संतां नूं मत्था नहीं टेकणा, संतां दीआं जगह ते नहीं जाणा, आ पखंडीआं ने बड़ा दौर चलाया होया, कारण दूसरी जगह गए मत्था टेकिआ कहिंदे उत्थे दा संत है, इत्थे कहिंदे आउणे है, तां लिखिआ अर्जुन दे मर्द कहिंदे ने ए धरती पूजण वाली जिथे चरण संतां ने पास, ए धरती पूजण वाली जिथे चरण संतां ने पाए, बाबा हंसराज जी महाराज जिन्हां दा तप स्थान, जिन्हां दी समाधि जिथे बाबा जी ने अज एक मरले तो अज अद्धा पिंड दी खरीद कीते, बड़े बड़े हाल गुरु रविदास सरोवर दुनिया ते पंजाब विच पहले गुरु रविदास मॉडल स्कूल, दर्शनियां ड्योढ़ियां लुकण मचाई स्थान, अज संगतां वास्ते बड़े प्रबंध कीते जा रहे, ये संगतां दी कृपा है, संगतां दी देन है, संगतां दा पैसा है, दास दा कुछ भी नहीं है, सब कुछ संगत दा है, साध संग जी दास दा कुछ नहीं, तां लिखदे ने ए धरती पूजण वाली जिथे चरण संतां ने पाए, ए धरती पूजण वाली जिथे चरण संतां ने पाए, संगत सरन तुम्हारी, परमात्मा नु कह रहे मेरे सतगुरु माफ करना, स्पीकर बड़े लगे हुए लागे लागे पिंडा दे विच आवाज जा रही है, पर सच कहना बहुत औखा है ते सच सुनना भी औखा है। असीं अज देवी देवतियां दी पूजा बड़ियां करदे हां, ओ जिन्हें सानू अणख सिखाई, जिन्हें साडी होंद कीती आ, जिन्हें साडा मरना सवारिया, ने पिछले हालात देखो, ओ कौन सी जगतगुरु रविदास महाराज और बाबा साहब जिन्हां ने संविधान एक बराबर लिखा, वोट दा हक सब नू दिता, अज असी प्रॉपर्टियां दे मालक, अज असी जायदादां दे मालक, अज असी डेरियां दे मालक, ये उन्हां दी बदौलत है सत संगत जी। असी अज कहने हां बाबा हंसराज जी रब आ, रब लोकां दीआं अज होण उन्हां दे कारने बदियां ने, अज सानू वी डेरे वाले नू कोई पुछदा ना। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां ने सब सांझी गुरबाणी रची है, एकता दी गल कीती है, बैर विरोध नूं खत्म कीता है, ऊंच नीच नूं खत्म कीता, अज पखंडी रोह अज भी जातां पातां दी गल करन नूं नहीं हटदे, ओह भोलिओ चमदे बणिओ सारे, अज तुसीं जातां दी गल करदे हो, बाणी पढ़न वाले बाणी कह रही अब लल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले कौन बंदे। सतसंग जी धन बाबा हंसराज जी जिन्हां ने सतगुरां दे नाल लाया, ते गुरु रविदास महाराज दे नाते पंजाब दे विच सुंदर तीर्थ स्थान बनाया। महाराज कहिंदे ने महतो सतसंगत सरन तुम्हारी हम औगड़ा, कैसी बात गुरु रविदास महाराज जी जेडे रब बन के आए, वो अकाल पुरख नु कहंदे आ, एह गल आ तकड़े तो कितना मंगी दा, साडे तां धौण ते
तां नूं खड़ी रहिंदी है, अकड़दी है, सानूं मंगणा नहीं आउंदा। जे सिख ले वे नानक नीमा जुत ले लगे ना ताती पाओ, जे नीमे हो जाए फिर सबको मिल जाएगा। सतगुरु जी कह रहे ने हम औगण तुम पारी उपकारी। हे प्रभु मेरे विच कोई गुण नहीं, तुसी पर उपकारी हो। हम औगण तुम पारी उपकारी, 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 आया बेटे दी सतसंग दे, आया बेटे जी सतसंग दे, सत्संग इहनूं कहिंदे आ। गुरु रविदास महाराज परपकारी दुनिया ते आए लोकां दा बहमां दा भरम कढ़न वास्ते, जिन्हां ने 52 राजे महाराजां नूं लखां जी तां वखरे राजे महाराजां नूं नामदान दित्ता। भगत के परमात्मा दे आज साढ़े तिना पखंड जो रहा है, कई ऐसे आकड़ खोर गुरु कह तैयार ने, पर जेडे दुनिया के गुरु जगत गुरु गल फिर उठे आ गई। पंचम पातशाह ने कहा तू ठाकर बनया, रविदास ठाकर बनया, रविदास मारू ठाकर क्या है। पंचम पातशाह ने कहा तू ठाकर तुम पे अरदास, ठाकर का अरदास की है तुम मखदूम पैद सपिया, तुम मखदूम पैद सपिया, तुम मखदूम पैद सपिया, तुम मखदूम पैद सपिया, हम बपरे दस कीरा जी आ जावे ते सत संग दे, तेरा रिंड तो चंदन बन जावे जी आ जावे ते सत संग दे, धारना बन दिया। मैं देख रहा बीबियां ली, मैं अखा बंद करके नहीं नाम जपदा, बैदा चौकड़ा मार के अखा बंद करके लोगों को भुलेखा पाई जाना बाबा जी की बिरती जुड़ी हुई है। दूजा बम्मा डांग मार के दौड़ जाए बिरती की करेगी भाई, वो कले होके बिरती जोड़ लो। देखना चाहिए मेरिया बीबियां भैणा, मैं देख रहा सारिया का मूंह हिलता और अपनी मस्ती बच गुरु जी का शब्द पढ़ लिया। इधर मेरे वीर यही तो गल है ना, आपा कहने साध संगत बिन पौ नहीं उपजे, साध संगत बिन पौ नहीं उपजे, पाप बिन भगती ना होए तेरी, साध संगत बिन पौ नहीं उपजे, पाप बिन भगती ना होए तेरी। कहे रविदास की बेनती हर जियो पैज रखो राजा राम देव। पर मैं एक गल कह दिया बीबिया भेणा नु, कहनी तो नहीं सी पर मैं कह देनी है, भाई जो रागी ढाडी आंदे है ढड सारिया नु लगाया, पैसे बगैर काम बनता नहीं। जो रागी ढाडी तुहानू वधिया सुणदे बाणी, तुहाडे कोल बटुए बड़े है, बहुत सारिया बीबिया साडे भी है, न्याणे नू बड़े रुपये दिनी है। जो रागी ढाडी गाउंदे है तुहाडे कोल उहनां दे 10-10, 20-20 रुपये नहीं है, रागियां ढाडियां नू पैसा दिया करो, तुहाडा लेखे विच आवेगा। तुहाडे रागियां ढाडियां नू 10-10, 20-20 दित्ते समझो तुहाडा लखां दी सेवा है। वो जिहड़े कीर्तन करदे आ जिन्हां ने बाणी मैनू नहीं देने, मैनू तां तुसीं हजारां दे सान लखां नाल भेजी जांदे आ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਿਆਣਾ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਏ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੈਣ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆ ਜਾ ਜੋਗੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪਿਲਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਬਾਬਾ ਹੰਸ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10-20 ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਲਗਾਇਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰਾਗੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਟੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਜਥੇ ਵਧੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਗੀ ਆ ਨਾ ਢਾਡੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮਾਤਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੰਸਰਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਅਲ ਤੂੰ ਮਕਤੂਰ ਸਪੈਦ ਸਪੀਅਲ ਤੂੰ ਮਕਤੂਰ ਸਪੈਦ ਸਪੀਅਲ ਤੂੰ ਮਕਤੂਰ ਸਪੈਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪਰੇ ਦਸ ਕੀਰਾ ਜੀ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਤੇਰਾ ਲਿੰਡ ਤੋ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਨ ਮਕੀਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਮ ਕੀਰਾ ਜਾਤੀ ਹੋਚਾ ਪਾਤੀ ਹੋਚਾ ਹੋਚਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਮਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚਮਿਆਰ ਹੋ ਐਵੇਂ ਕੰਡ ਫਸੀ ਜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਆ
ਐਵੇਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੋੜ ਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਬੇੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਆਓ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਂ ਰਹਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੰਦਗਾਨੀ ਦਾ ਦਿਸਣੋ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਖਰ ਦੇਖਦੇ ਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਤਾਨੇ ਪਿਛਾ ਹਟੀਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਚ ਪੰਗ ਪਾਵੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਸਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਬਾਪੂ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਅਸਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਅਸਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਰਾ 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 ਹੰਸਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਜਹਾਨ ਦੇਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਖਿਆ ਚੁੱਕਦਾ ਜਹਾਨ ਦੇਖਿਆ ਚੁੱਕਦਾ ਜਹਾਨ ਦੇਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਖਿਆ ਚੁੱਕਦਾ ਜਹਾਨ ਦੇਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਰਾ 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 ਹੰਸਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੰਸਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਜਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਨੀ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਜਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਨੀ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਜਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਨੀ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਜਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਨੀ ਡਰਦੇ ਡੁੱਬਦਾ ਕਦੇ ਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਿਆ ਡੁੱਬਦਾ ਕਦੇ ਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਿਆ ਡੁੱਬਦਾ ਕਦੇ ਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਿਆ ਹੰਸਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੰਸਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰ ਮੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰ ਮੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰ ਮੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੰਸਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਰਾ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਨੋਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜੈਮਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਨੋਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜੈਮਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਨੋਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜੈਮਤਾਂ
सतगुरु तेरे जद बैठ गया, सतगुरु तेरे जद बैठ गया, सतगुरु तेरे दर बैठ गया, सतगुरु तेरे दर बैठ गया। हंसराज बाबा सारे दुखां दी दवा, दुनिया नु धारे लगे रब दा भरा। हंसराज बाबा सारे दुखां दी दवा, दुनिया नु धारे लगे रब दा भरा। हंसराज बाबा सारे दुखां दी दवा, दुनिया नु धारे लगे रब दा भरा। बाबा हंसराज दा 24 बार अमेरिका गया, 24 बार इंग्लैंड गया, 7 बार कनेडा गया, इटली पेरिस स्पेन जर्मन गया, मास्कट दुबई गया। मैं कहना कदे कोई भी बंदा आके कह दे पड़वे वाले संत किसी तागा तबीत जंतर मंत्र बहमा भरमा दे पाव तो मेरे ना के गल करे। मैं नहीं ऐसा दे कम करता, जे लगी है तो रब ना दोस्ती। असी कहने गुरु रविदास रब सी, ते मैं बाबा हंसराज ना मेरा रब, ते रब ना लागे दोस्ती, ते वे जंतरिया मंत्री नहीं लोड़ की रहे भाई, फिर लोड़ नहीं रहती। फिर तो गल यही आ, नानक नाम चढ़ती कला, 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 नानक नाम चढ़ती कला। तेरे पाने सरबत दा पला, तेरे पाने सरबत दा पला, तेरे पाने सरबत दा पला, तेरे पाने सरबत दा पला। ए फे एही कहना चाहिदा सतगुरु पाछा एक कर दे कार्ज ना दे, संगतां दे कार्ज कर दे, तेरे दर आए है, बस यही काफी है। आओ मैं गुरबाणी एक शब्द बोल के समाप्ति कर दे। जे तू ना आंदे रामा फिर लात डोल जांदा, जे तू ना आंदे रामा फिर लात डोल जांदा, जले भी हरनाच, उपर भी हरनाच, ऐसे भी होंगे जो हरनाच हुंदा हंकारी तो उदे कर परमात्मा ने प्रहलाद पैदा कर दिता। बड़ी साखी है, मैं ज्यादा ना बोला। ता आखिर ते कहिंदा मुल्तान दे विच थमिया, चल फिर हुण देखांगा बड़े किस्मे है। मैं लास्ट वाल नूं चल दवां, देखूं मैं तेरा राम रखदा जद तत्तिया थम्मा जफी पार, देखूं मैं ते राम रखदा जद तत्तिया थम्मा नू जफी पार, तू मैं तेरा राम रखदा जद तत्तिया थम्मा नू जफी पार, तू मैं तेरा राम रखदा। हंकारी हरनाश कर मल्तान दे विच थम नू गर्म कर, कहिंदा पुत्रा देखदा तड़फ के मर जावेगा, सुआह हो जावेगा, तू कह दे हैप्पी हरनाच, कोसी भी हरनाच, जले भी हरनाच, उपर भी हरनाच। ते प्रहलाद नू दर्शन दिते भगवान ने पूरी कीड़ी दा रूप धर के, ते कहिंदा जे मेरा राम पूरी कीड़ी नू नहीं साड़ सकदा मैनू किदा सड़ेगा। उत्थे क्या राम 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 राम
देखूं मैं तेरा जी राम रखदा जद तत्ते अखमां जप्पी पाई देखूं मैं ते राम रखदा काल रूप दो चार बाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप दो चार बाबी मरदाना मरदाना दो चार बाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप दो चार बाबी मरदाना मरदाना दो चार बाबी मरदाना फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया स्थाना फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया स्थाना बाहर जाए किया स्थाना बाहर जाए किया स्थाना एक बाबा अकाल रूप दो चार बाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप दो चार बाबी मरदाना निवाज कर सुन समान हुआ जहाना सुन मन नगरी पाई देख पीर पया हराना सुन मन नगरी पाई देख पीर पया हैराना देख पीर पया हैराना देख पीर पया हैराना एक बाबा अकाल रूप दो चार बाबी मरदाना एक बाबा फकीर बड़ा मस्ताना
सिख ध्यान लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना पुछया फिर कै दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना पुछया फिर कै दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना कौन फकीर किसका करहाना कौन फकीर किसका करहाना एक बाबा अकाल रूप तू चार बाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप तू चार बाबी मरदाना मरदाना तू चार बाबी मरदाना नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचाना नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचाना धरत आकाश चहों दिस जाना धरत आकाश चहों दिस जाना एक बाबा अकाल रूप दू चार बाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप दू चार बाबी मरदाना मरदाना दू चार बाबी मरदाना मरदाना तू चार बाबी मरदाना मरदाना तू चार बाबी मरदाना वाहे गुरु एक आओ गुरु प्यारी सत्संग जी अज आप उन्हां महापुरशां दे प्रकाश दिहाड़े मना रहे हैं जिन्हां महापुरशां ने संसार ते आके पुल्ले पट के लोकां नूं इस संसार दे संसार नूं परमात्मा दे नाम दे नाल लाया गुरु प्यारी साध संगत जीओ सतगुरु नानक देव जी महाराज गरीबां दे यार सन जिन्हां ने अहमदाबाद शहर दे विच अहमदाबाद शहर दे विच जदों ब्रह्म भोज कीता जिस वक्त गुरु नानक महाराज नूं भोजन करन वास्ते सद्दा पत्तर दिता गया तां सतगुरु नानक देव महाराज ने की कौतक रचाया गुरु प्रसाद संगत जी मालक भागो सी मालक भागो दिया पूरियां दे विचों खून दियां तारां बगाईयां और भाई लालो दे रोटियां दे विचों दुध दियां तारां बगाईयां क्योंकि रब उत्थे प्यार दिंदा जिथे गुरु प्रसाद संग जी निम्रता दा घर होवे जिथे हउमै दा कंडा होवे हंकार होवे उत्थे रब कदी भी पहुंचदा नहीं आओ मैं इतले पासे नूं ना जावां एक शब्द बाबा जी दा कहना उस तो पहला एक वार सतगुरु नानक देव महाराज जी बारे भाई गुरदास जी ने लिखी है कि बाबा आखे हाजिया शुभ अमला वाजो दोनों
पापाया कुदरत कोई लख न सका कुदरत कोई लख न सका कुदरत कोई लख न सका कुदरत कोई बाबा आया कहानिया बाबा आया बाबा आया कहानिया
ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। Because
सेवा दर प्रवान करना कीर्तन कर दिया बाणी पढ़ दिया एक नहीं अनेक प्रकार दिया गलतियां त्रुटियां भुलना चुका हो गई होन गया सो गुरु कर दे दास दास समझ के सर्वत संतां संत महापुरुष माफ करनगे तो आओ रसना करिए पवित्र गज के आखे जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जय गुरुदेव धन गुरुदेव जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय आप जी हुणे हुणे सरवण कर रहे सन बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई मंगत राम जी महमे दकोहे वाले और जो हजूरी रागी जथा है डेरा संत बाबा फूलनाथ जी नानक नगरी जीडी रोड चहेड़ो जिन्होंने आप जी ने गुरचरणा के नाल जोड़िया है धनवादी हाँ सो मैं बेनती करा भाई साहब भाई करम सिंह जी जलंधर वाले वो कृपा करनगे 30 मिनट वास्ते गुरु
मैदान दीवान मैं तो दिया गे हुर्दा मैं होर था नहीं जिस बैगरों बेलंदी मेरे दुख सुख सतगुरु बिना मिला नानक सतगुरु
बाबा हंसराज जी दे महाराज दे जीवन दे बारे दो लाइना शेर दियां उस तो बाद जोड़ी संतां दी मंदरपाल ते बिमला राणी कह के दास ने खमाना जाजक हो जाना। जदों तक जिमी असमान होगा माता दलीप कौर तेरे अनार होगा, क्योंकि मां दा रुतबा सत्संग जी ऐसा है, मां का रुतबा ऐसा है कि मां के नाल ही संत आए आ, जे मां ना हो तो संत नहीं आऊगा, कोई सूरमा नहीं आ सकता, क्योंकि जननी जानी तो भगत जन, जां दाता जां सूर नहीं तो जननी बाज रहे कहे गवाहे नूर मारे, कहिंदे जे जननी दे बच्चा जाना तो तीन ते गुण होण उहदे विच, तिना नहीं तो एक हो वजूद ना जो, कहिंदे जननी जाने तो भगत जन, जां दाता जां सूर नहीं तो जननी बाज रहे कहे गवाहे नूर, कहिंदे फिर उदे रहे नहीं तां, क्योंकि मां का जो रुतबा आ मां दलीप कौर के घर उन्हें जन्म लिया, माता दलीप कौर मुख रख के मैं उन्होंने जीवन में बोले ना कह रहा, जदों तक जिमी असमान रहूगा माता दलीप कौर तेरा नाम रहूगा, तेरे लख ते जिगर दे किते होए बहुत गानो ते चेते करदा कुल जहान रहूगा, पंडवे वाले सुख ने भी ये हो आस रखी साडे सिर ते बाबा हंसराज मेहरबान रहूगा, हंसराज सही हो मेरा बहुत सोना एदे जहान कोई जहान उते चंद सूरज भी उसने देखने नहीं ते परेशान पे फिर आसमान उते मेरे पीर हंसराज दे देखने ते फिर रब भी ढूंढना जहान उते। बाबा जी कहते ना रचना कुदरती भी तकती है, महापुरुषों के दर्शन करने रब भी ढूंढता पड़ता है, क्योंकि दया नूं भी थां नहीं है, जिस ते दया नूं भी कोई थां चाहिदा, नीवां हिरदा चाहिदा, ते जिथे मालक की रहमत होनी है मालक ने टिकना, ते मालक नूं भी कोई पवित्र हरदा हिरदा चाहिदा। विद्वान कहते कि शेरनी का दुध जिहड़ा सोने के भांडे में ठहरदा, जे किसी होर भांडे च पा दो तो भांडा फट जाता, एक मिसाल है नामदेव, जो नाम भी आ भी पवित्र पाक हिरदे में ठहरता, जी दया भी पवित्र पाक हिरदे के ठहरती है, आम साहब गंदे हिरदे में नहीं ठहरनी, शेरनी का दुध जोड़ा वो सोने के भांडे में ठहरता। किसी ने पूछा कहना चोया भी है किसी ने, कहना मैं कहना बाबा जी किसी ने चोया भी, मैं हाँ दस रहा, शिवा जी महाटा जी ने चोया जी, विद्वान बैठे आ शिवा जी महाटा जी ने चोया शेरनी का दुध, को टाइम घट है फिर कितने समय मिलिया, ते और संत राम जी दास जी उन्होंने डेरे रेंदे सके, उन्होंने अपने चेलियां दी परख करन वास्ते उन्होंने भेजिया, तो उधर जाके अपने जंगल दे विच अपना जिहड़ा वो शरीर पलट लिया शेर जी दा रूप धार के, ते उन्हें दुध चोग आण के लिआंदा, ते कहिंदे भई चेलियां ने ईरखा कीती, कहिंदे महाराज इहदा बड़ा प्यार करदे आ शिवा जी मराटा दा, खुल्ले जे सुभाग दा सगा, जिथों मिल गया खा लिया, जिथों चल भज गया चल गए, वो बाकी चेले दुखी हो गए, कहिंदे इहदा बड़ा महाराज प्यार करदे खास रखदे आ, कहते भी दे कोई नहीं, कहते देख लें उन्हें पिछ, कहते शेरनी का दुध चाहिए साढ़े दर्द हों छाती के, कहते शेरनी का दुध दसो कि लिया हुआ चेला, वो सारे कोई इधर कोई लंगर और ले, कोई खोल ले गया और ले, कुछ पशुआ और ले, कहते भाई शिवा जी उन्होंने इशारा किया, कहना महाराज मैं लिया घोड़ा दियो मैं तो एक सोने का भांडा दियो, उन्हें दुध लिया, कहते हाँ भी हाँ इन्हू रखिए इन्ना ज्यादा प्यार करिए कि तुहाडे नाल, जो महापुरशां दीआं परखां होंदीआं, तो आओ ये जेवड़ी संतां दी मंदरपाल ते बिमला राणी, हंसराज बलि पैगंबरा तो उच्ची सुची है जग तो शान सुदी, हंसराज है बलि पैगंबरा तो उच्ची सुची है जग तो शान सुदी, धरती पंडवे दिन केड़े पुन कीते मैं सुखे लिखी है महान जिस दी,
तो मैं बाला जी बेनती करा कि माड़ा जा साथ दियो। ए जोड़ी संतां दी मिंदर पाल ते बिमला राणी, ए जोड़ी संतां दी मिंदर पाल ते बिमला राणी, जोड़ी संतां दी मिंदर पाल ते बिमला राणी, ए जोड़ी संतां दी मिंदर पाल ते बिमला राणी, ए दसदी संगतां नू दसदी संगतां नू हंस राज दी अमर कहानी, ए दसदी संगतां नू हंस राज दी अमर कहानी, दसदी संगतां नू हंस राज दी अमर कहानी, ए दसदी संगतां नू हंस राज दी अमर कहानी, ए जोड़ी संगतां दी निंदर पाल ते बिमला राणी, ए जोड़ी संगतां दी मिंदर पाल ते बिमला राणी, जोड़ी संगतां दी मिंदर पाल ते बिमला राणी, ए जोड़ी संगतां दी मिंदर पाल ते बिमला राणी। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੀੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਪਾ ਕੇ ਪੀੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਜਾਇਆ, कपड़ा पा के पीड़ी ते कहिंदे गुरु ग्रंथ सजाया, देखो मथा इत्थे दी एह नवां दस्तूर बनाया, देखो मथा इत्थे दी एह नवां दस्तूर बनाया, मथा इत्थे दी एह नवां दस्तूर बनाया, देखो मथा इत्थे दी ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢਤੀ ਉਲਗੀ ਪਈ ਜੋ ਤਾਣੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਜੋੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਦੱਸਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਸੁਫੇਰੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਸੁਫੇਰੇ ਜੀ ਗੂੰਜਦੀ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਖੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ
ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆ ਗਏ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਅੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆ ਗਏ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਭਰ ਮੁੰਡਾਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ अपने दिल का भरम मटाया कनेडा ने अपने दिल का भरम मटाया रसिया कनेडा ने अपने दिल का भरम मटाया हंसराज ते रब बिच तो हंसराज ते रब बिच तो हो बंदिया पे दमूल ना जाने जोड़ी संतां दी मिंदर ताल ते विमला राणी जोड़ी संतां दी मिंदर ताल ते विमला राणी जोड़ी संतां दी मिंदर ताल ते विमला राणी दसनी संगतां नू दसनी संगतां नू हंसराज दी अमर कहानी जोड़ी संतान हंसराज की अमर कहानी ए जोड़ी संतान बिंद्रपाल ते बिमला राणी आखरी लाइन कह के जी किमन जा के दो योजना लिखा लिखदा सुखा पंड वेदा अखी देखी सच कहानी लिखदा सुखा पंड वेदा अखी देखी सच कहानी लिखदा सुखा पंडवेदा अखी देखी सच कहानी लिखदा सुखा पंडवेदा अखी देखी सच कहानी अखी देखी करके लाइन मैं लिखी है जी कि दस दस उम्र भी जी 53 साल की हो गई है 53 साल की बाबा हंसराज महाराज ने दर्शन किए हैं कुछ समा उन्होंने खेले हाँ इस करके लिखा लिखता सुखा पंडवेदा अखी देखी सच कहानी लिखता सुखा पंडवेदा अखी देखी सच कहानी सुखा पंडवेदा अखी देखी सच कहानी लिखता सुखा पंडवेदा अखी देखी सच कहानी अनुसार ना लिखने दी एदी कलम है बड़ी न्याणी अनुसार ना लिखने दी एदी कलम है बड़ी न्याणी अनुसार ना लिखने दी एदी कलम है बड़ी न्याणी अनुसार ना लिखने दी एदी कलम है बड़ी न्याणी अनुसार ना लिखने दी एदी कलम है बड़ी न्याणी हंसराज दा दर देखो हंसराज दा दर देखो बन गया सुखा दिया खानी ए जोड़ी संतां दी मिंदर पाल ते विमला राणी जोड़ी संतां दी मिंदर पाल ते विमला राणी ए दसदी संगतां नूं हंसराज अमर कहानी यह दसदी संगतां नूं हंसराज दी अमर कहानी यह दसदी संगतां नूं हंसराज दी अमर कहानी लो जी इन्हां शब्दां दे नाल खिड़े चमन विच बहिंदा नाला पता नहीं मुड़ के बहे कना आउंदी रुके सजनो ए जिंदगी पता नहीं मुड़ के रहे कना समां बुझ जाएगी जलती जलती सांस रोज रुक जाएगी चलती चलती सासन का नहीं पता साहब साहब सिंह जी आ गया तो साह आ गया तो आदमी अहम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना तो इन्हां शब्दों के नाल दास कमां दा जाजक है फिर कितने समा मिलिया सतगुरु रहमतां करन समय बख्शन उम्र बख्शन तुहानू भी ते सानू भी ते फिर संतां ने जोड़े झाड़ांगे हुइयां बुलंदी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो नरपै सतदास राज की जय बोले सो नरपै संत बाबा हंसराज की जय बोले सो निहाल सत
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਸ਼ਮਣਦਾਸ ਗੋਰਖਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲੇ गुरु रविदास महाराज जी नू मीरा ने जो गुरु ढारिया ते घर दे सारा परिवार प्रोड हो गया मीरा नू मेहने ताने मार दिया मीरा नू मारन तक भी घरदिया ने जोर लाया पर जेरे सिर ते साई होवे उन्हूं कौन मार सकदा मीरा दी मां कहंदी तैनू कोई होर नहीं लब्भा उच्ची जात दा ओनू गुरु धार लैंदी कहंदी मां मैनू तां इहो ही लब्भिया सारी दुनिया चों मैं बहुत घूमी आ जंगलां च भी गई मैं मंदरां च भी गई पर मैनू गुरु नहीं लब्भिया उहदे वरगा कहंदी आ गुरु रविदास दीआं रहमतां जे लैणियां दौरी वाला अंबर टपी मेरी अम्मी है दौरी वाला अंबर टपी गुरु रविदास दिया रहमता जे लैनिया दौरी वाला अमर टपी मेरी अम्मी है दौरी वाला अमर टपी गुरु रविदास दिया खुशियां जे लैनिया दौरी वाला अंबर टपी मेरी अम्मी है दौरी वाला अंबर टपी गुरु रविदास दिया रहमता जे लैनिया दौरी वाला अंबर टपी मेरी अम्मी है दौरी वाला अंबर टपी एक घुट पीतिया अखां खुल जांदिया पता नहीं ओदे विच की सुन अम्मी है पता नहीं ओदे विच की एक घुट पीतिया अखां खुल जांदिया पता नहीं ओदे विच की मेरी अम्मी है पता नहीं ओदे विच की ने भी पी लिया चाला ने भी पी लिया तुम ही मेरे कहने लग पी मेरी अम्मी है तुम ही मेरे कहने लग पी ओ मीरा ने भी पी लिया ते चाला ने भी पी लिया मेरे कहने लग तुम ही पी मेरी अम्मी है मेरे कहने लग तुम ही पी रविदास दियां खुशियां जे लैनिया दौरी वाला अंबर टपी सुन संगत दौरी वाला अंबर टपी गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनिया दौरी वाला अंबर टपी मेरी अम्मी है दौरी वाला अंबर टपी ने भी पी लिया तुम ही मेरे कहने लग पी मेरी अम्मी है तुम ही मेरे कहने लग पी ओ मीरा ने भी पी लिया चाला ने भी पी लिया मेरे कहने लग तुम ही पी मेरी अम्मी है मेरे कहने लग तुम ही पी छड दे ख्याल माए ਉੱਚੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ ਕੀ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਏ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮਾਏ ਉੱਚੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ ਕੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਏ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ ਕੀ ਮੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਅੱਜ ਬਾਰੀ ਰਾਜ ਡੀਸੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ
आज बारी राजे दीसी ओ मीरा ने भी पी लिया ते जाला ने भी पी लिया आज बारी राजे दीसी मेरी अम्मी ए आज बारी राजे दीसी राजा जदों पीन लगा बुक खुला कर लिया किस्मत माड़ी सी जी संगते किस्मत माड़ी सी ओ राजा जदों पीन लगा बुक खुला कर लिया किस्मत माड़ी सी मेरी अम्मी ए किस्मत माड़ी सी कपड़े खराब हो गए राजा परेशान होया फिर तो बीटाई बलाया सी जी संगते तो बीटाई बलाया सी राजा परेशान होया कपड़े खराब हो गए तो बीटाई बलाया सी मेरी अम्मी ए तो बीटाई बलाया सी कपड़े खराब हो गए राजा परेशान होया फिर तो बीटाई बलाया सी सुन संगते तो बीटाई बलाया सी कपड़े खराब हो गए राजा परेशान होया तो बीटाई बलाया सी जी संगते तो बीटाई बलाया सी एक दाग टोबी दी कुड़ी ने चूसया दुनिया दिलो गई ओनु दुनिया दिलो गई एक दाग टोबी दी कुड़ी ने चूसया दुनिया दिलो गई मेरी अम्मी ए दुनिया दिलो गई चर्चा सुन के शहर दे विच मीरा नूं पता लगा मीरा पे चली उधर नूं जंगल भी टोल ले मैं मंदर भी टोल ले मैनू रब लभया नहीं सी मेरी अम्मी है मैनू गुरु लभया नहीं सी ओ मंदर भी टोल ले मैं जंगल भी टोल ले मैनू रब लभया नहीं सी मेरी अम्मी ए मैनू रब लभया नहीं सी घुमदी घुमाउंदी फिर कांछी वल गई मैं रब कुली विच बैठे सी सुन संगते गुरु कुली विच बैठे सी घुमदी घुमाउंदी जदों कांछी वल गई मैं रब कुली बच बैठे सी मेरी अम्मी ए रब कुली बच बैठे सी घुमदी घुमाउंदी जदों कांछी वल गई मैं रब कुली बच बैठे सी जी संगते रब कुली बच बैठे सी घुमदी घुमाउंदी जदों कांछी वल गई मैं रब कुली बच बैठे सी मेरी अम्मी ए रब कुली बच बैठे सी दोवें हाथ जोड़ के जदों शीस नू चकाया मैं नूरो नूरो हो गई सी जी संगते मैं नूरो नूरो हो गई सी दोवें हाथ जोड़ के शीस नू चकाया मैं नूरो नूर हो गई सी मेरी अम्मी ए मैं नूरो नूर हो गई सी मैनू तो मिल गया कांठी चो माए मेरिए हुण पांडवे दे विच सी जी संगते हुण पांडवे दे विच सी मेरी अम्मी
पग लेके चोलायो हो पांड बेच आ गया रखिया हनस राजना दोमे हाथ जोड़ के शीश नू झुकाया मैं नूरो नूरो हो गई सी सुन संगत नूरो नूरो हो गई सी ओ दोमे हाथ जोड़ के शीश नू झुकाया मैं नूरो नूरो हो गई सी मेरी अम्मी ये नूरो नूरो हो कंछी चुमाए मेरिए हुण पांडवे दे बिच सी जी संगते हुण पांडवे दे बिच सी मैनू ता मिल गया कंछी विचुमाए मेरिए हुण पांडवे दे बिच सी मेरी अम्मीए हुण पांडवे दे बिच आ बदले के चोलायो हो पांड बेच आ गया रखिया हनस राजना सुनिया मिए रखिया हनस राजना चोला बदले के पांड बेच आ गया हंस राज रखिया ना जी संगते हंस राज रखिया मेरी अम्मी तू भी मीरा बागुना चमकाला मेरी अम्मी तेनू तो मैं दस दिया सुन संगते तेनू तो मैं दस तू भी ना मीरा बागू चमकाला मेरी अम्मी तेनू तो मैं दस दिया जी संगते जिहड़ी सच्ची सच्ची गल है कदम मैं कदे टलदा नहीं डर रब दा चाहिदा होर बंदियां दा की मल्ला राम जी बैठो तुहाडा खड़पड़ चलदा समाप्ति कीते बगैर नहीं जा सकदे खुशियां दे प्रोग्राम चलदे है साडे दा खड़पड़ रोज ही आ संतां नूं लोड़ नहीं खड़पठां दी नित दिवाली साधी अठो पैर बसंत ठीक नहीं गल असि तो अठो पैर नाम जुड़े रहने चिपड़ चकते हैं दुनिया का बेकर कमाई सफला कर लो दौड़ते मेरे को सब कहते मेरी छुट्टी ले दस कि जाके ट्रैक्टर चला एक मेरे को सब आ बैठे यदा भी पता नहीं कदा लोग कदों चले जाना कोई नहीं उदो जाऊंगे जो भेजा कहने का मतलब लक्ष्मण दास जी गोरखा गुरु रविदास की बड़ियाई करके गए बे पहला मैनू मिल गया माए मेरी कंछी बिचो गुरु रविदास हुण पांडवे दे बिच मैं ये गल सद कर लगा गल एदा तुहानू पता भी मैं कहना कुकर आ कुकर मैं कुत्ता हुंदा बे बाबे हंसर का कुकर कुत्ता पर 350 डेरे साडी लिस्ट विच आउंदे आ श्री गुरु रविदास साधु संपत सोसायटी जिहड़ी है असीं कहिंदे 350 डेरे साडे डेंटी कार्ड आ जी पर जो इकट्ठे हुंदे आ तो थोड़े रह जाईदा सी दस सभा दा चेयरमैन आ पर डेरे सारिआं ने बनाए आपो अपने कोठे संतां महापुरशां ने आपो अपने डेरे सारिआं ने बनाए स्कूल भी चलते है बहुत सारे ते नवा कम तो किसी ने किया नहीं ना वो जे गुरुआं दे नां ते तीर्थ स्थान बने जिथे लिखिया कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै रोगा पहला इशनान फिर सिमरन एवे थोड़ी पंचम पातशाह ने चौथी पातशाह हरिमंदर साहब कौत करचाया जेडे पखंडी लोग
साध संत ਉਹ ਕਰ ਕੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਲ ਸਰੋਵਰ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ, ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਖਵਾਜਾ ਬਲੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖਵਾਜਾ ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਪਣਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇ, ਪਣਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਛੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਬੇ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਣਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਂਡਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਣੇ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਘਰ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੀਨਿਆ ਆਪਨ ਬਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਮਸਕੀਨਾ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਬਣਵਾਇਆ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ, ਐਵੇਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਐਵੇਂ ਨੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠਾ ਤੇ ਨਾ ਤਦੇ ਹੋਇਆ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੱਗ ਮੇ ਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੱਗ ਮੇ ਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾ ਪੱਗ ਮੇ ਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੱਗ ਮੇ ਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਰੰਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਚੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਆ ਮੈਂ, ਕੁੱਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੋਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਤਾਂ ਚੌਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਆਪ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪੇ ਫੁੱਲੇ ਖਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਟੁੱਟਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, 4 4 ਗੱਡੀਆਂ, 7 ਟਰੈਕਟਰ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ
अल्लाह दा बाजा प्याया वे अल्लाह दा बाजा प्याया वे कुली जी फकीर दी पीतों अल्लाह दा बोलो प्याया वे कुली जी फकीर दी पीतों अल्लाह दा आवाजा प्याया वे कुली जी फकीर दी पीतों अपनी हाजरी सारे दी लगदी है अल्लाह दा बाजा प्याया वे कुली जी फकीर दी पीतों अल्लाह दा अल्लाह दा आवाजा पे आया वे कुली जी फकीर दी पीतों अल्लाह दा आवाजा पे आया वे कुली जी फकीर दी पीतों तन्ना जट होया सरूप सिंह तन्ना जट घोड़ा पला पंडतां ने पाता चक्कर लुट लिया तरीके नाल गऊ दे के पर तन्ने जट दी कथा ज्यादा टाइम लगू जे करा मैं शॉर्टकट गल करनी है ओ तन्ने जट दे घर वाली गई रोटी लैके तन्ने जट ने जुड़े जड़ाए हल खड़े रहन दिते ते कहिंदा करम वाली जे बह जा सारी उम्र लग गई आपां नूं पता नहीं लगा ਉਹ ਠਾਕਰ ਨਘੜਤ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦੇਤਾ ਤੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਠਾਕਰ ਆ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਤੰਨਾ ਜੱਟ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਰੱਬ ਜੀ ਆਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਓ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਘੜਤ ਪੱਥਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਦੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੰਨਿਆ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨਘੜਤ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਰੋਟ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੇ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਉ ਇਹ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਗੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਸਮਾਨ ਸਨ ਗੋਰੇ ਅਰਜਨ ਸਮਾਨ ਸਨ ਗੋਰੇ ਜੋਹਨ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਸਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹੱਸਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਲੋਗੇ ਗੋਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਾ ਚੱਲ ਕੇ
गोरा चल के अमेरिका च आ गया मजियां चराउण वास्ते गोरा चल के गोरा चल के अमेरिका तो आ गया जी गोरा चल के अमेरिका तो आज मजियां चराउण वास्ते गोरा चल के मेरे बाबा हंसराज ने मूर्ख नु कहा ते तो गायां मजियां चराउण दी सेवा लड़ी है मीडिया वाले सुन लो गल बाबा हंसरा ने कहा मूर्ख नूं तदों गाइयां मजियां चराउण दी सेवा लैणी है मैं कहा बाबा जी तेरे पुत विच अणख बहुत है मैं जिमीदारां दे खेतां विच बड़ांगा गाइयां ते मजियां क्यों मैं ऐसे पिंड दा जम्मिया ते पलिया हां मैनूं दबके मारनगे क्यों बाबे नानक नूं भी बड़े दबके मारिया हरिया भरिया खेत इक खा गए सी कहते फिर मैं क्या अपने खेत हूं दस फिर गाइया मजियां चराउण दा आनंद आता तो मेरे को मन लाभ नहीं सी बाबा जी कहते अच्छा फिर कोई नहीं परमेश्वर को बेनती करते हैं पहले तेरे दस बारह खेत ही लैने ऐसी कृपा की जिथे सरोवर बनिया स्कूल बनिया लुकण स्थान बनिया तेरा एकड़ जमीन आप खरीद की नौ खेत एक डेढ़ एक अद्धा एक 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 तेरा खेत बाबा जी ने लै डेरे दे ना तेरा खेत है सो ओ तुहाडियां संगतां वास्ते लंगर नहीं उन्हां च मुक्कना तेरा खेतां दे विच कणक बीजी होवे झोना बीजा होवे मुक्कदा नहीं जे पनीर नहीं बनूगा ना ते प्याज ते अचार नाल रोटी दा मिलूगी ए बाबा हंसराज ने गंढ दित्ती अपने डेरे दी ते गोरा फिर चल के उन्हां खेतां च मजियां चरा के गया ते मैं ताइयों कहना बाबा हंसराज तेरे दरबार दा एक कुकर है जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे पर मेरे बाबा जी बलिहारे बाणी नाल जोड़िया मैंने बाणी नाल जोड़िया बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमर ससारे गुरबाणी ने जोड़िया सतगुरां ने अज गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह प्रकाश दिहाड़ा मनाउण दी खुशी अंदर आ साडे संत समाज बैठा ना मैं इक वारी बाबा जी नूं कहता मैं कहा बाबा जी जगह घटिया संत बेचारे आउणगे कोई तकड़ा संत आऊगा गड्डिया वाला तो मैं बाकिया नूं की करूंगा कहिंदे तू दस की करना फिर मैं कहा मैं उन्होंने कहूंगा एक पासे होकर चल जाओ बाहर हो जाओ यार कहिंदे तू मेरे दरबार से इदा की गल नहीं कर सकता तैनू की पता ओ तकड़िया दे विच ईरखा होवे ओ जिहड़े भोले भाले बेचारे इन्हां ते रब वसदा होवे ये कोई पता थोड़ी है रूहां जिहड़ियां बैठियां इन्हां दे मूहरे तां हथ जोड़ना चाहिदा बाबा जी मैं तुहाडे सारिआं नूं मूहरे हथ जोड़दा हां असीं तुहाडे सेवादार रहे हां क्यों पता नहीं रब कित्थे रहिंदा डरना चंगा सो वड्डे वीर लक्ष्मण दास जी गोरखा जी सुखा सिंह जी तुहाडे बोलां ते मैनूं आउणा पै गया गीत लिखियो जिहड़े है उह होर चीज़ है जदों सट कितें मारनी कोई होर चीज़ है अपना गुर ते आए फिर छेती उसर कर त्या अपने गुरु की गल करनी चाहिए जो अपने पेज की नहीं गल करनी तो कि करेगा मेरे बाबा हंसराज जी ने इस मूर्ख से कृपा की है ये मूर्ख जिन्ना चिकर जींदा है एक जरूरी नहीं मैं भी बीमार हूं मैनू भी हार्ट ऑपरेशन होए है रात पौने दो घंटे मेरे लागे कीर्तन लिए पौने दो घंटे जोर शोर ना किया मैं थक गया पर सेवादार मेरे बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया वेरी नाइस गुड सेवादार मेरे नाल खड़े है मेरे कुड़म साहब मल्ला राम जी बड़े सेवादार है मैं बेटी वाला है वो नूह वाला है मेरी बेटी इन्हां दी नूह है पर बड़ी सेवा करता है सिर नूं दबना घुटना बड़े श्रद्धालु है कदे समझा नहीं साडे कुड़म है कुड़म तो है पर संत मत का सत्कार करते है और सेवादार है संत सरबन दास जी महाराज
डेरा सचखंड बल्ला दे श्रद्धालु है, क्योंकि संत जिहड़े हुंदे आ ना इह दया दे समुंदर हुंदे आ। मैं एक गल कह दियां, कोई गल नहीं बाबा जी, जे रात भी पै गई तो तुसीं उत्थे भी तां रहना ही, इत्थे रह लिओ, लंगर दुबारा बना लवांगे आपां तुहाडे लई होर मटर पनीर। ओह कहिंदे गुरु रविदास महाराज जी जदों आए किसे बेई ते गए नदी ते, उन्हें पार करनी ही शाम का टाइम, क्यों बाबा जी भी तो यूपी च होया ना, उधर जी किश्ती सी शाम के टाइम, जो क्या भाई मिला सानू अपनी किश्ती से चढ़ा के पार ला दे। वह कहता बाबा जी हुण तां पानी खड़ गया है, मैं किश्ती नहीं चलानी, मैं सवेरे चलावांगा। वह कहते यार पानी खड़ गया कोई नहीं लगा दे तू। कहिंदा अरे बाबा तू कौन है? गुरु जी कहिंदे रविदास नाम है मेरा, रविदास। महाराज जी नूं रैदास भी कहा, रविदास। उन्हें चढ़ा लिया, एक अद्धा घंटा चप्पू मारिया ऐनू लै गया किश्ती, अद्धा घंटा मारा ऐनू लै गया। वह कहिंदे ओ गलसन मला, वह सीधा पांच मिनट का रास्ता, तैनू घंटा हो गया घुमाउंदे नूं, तू सानू पार क्यों नहीं लाउंदा? असी जाके नितनेम करना। मोरे पता की कहिंदा? ओ कहिंदा बाबा तेरे नितनेम नूं मैं की करना, नितनेम तां तुसीं करना होगा, मेरा तां नितनेम हुण हो रहा, हुण हो रहा। मेरी कश्ती विच गुरु साहब बैठे आ, मैं गुरुआं दी सेवा च आ, मेरा नितनेम आ। ए ठीक है, मैनूं पता कबेला हो रहा है, पर मैं कबेले नूं की करां यार? मेरे गुरु नानक पातशाह का दिहाड़ा मनाया जा रहा है। ते कोई गल नहीं, आपां समाप्ति दे आ, हुण हरिपाल जी एक शब्द पढ़नगे, उस तों बाद साडे बहुत वधिया जत्था है। कोई गल नहीं, मैं कल्ले नूं भी सुण लैणा, फिकर नहीं करन दी लोड़। ते समाप्ति है समझो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये मीडिया वाले जिहड़े आ ना, इन्हां दा मैं बहुत धन्नवादी हां। ये मीडिया जिहड़ा है ना, ये सच दा झूठ नखार दिंदा, ये कट नहीं करदा। क्यों? जो आपां बोलदे सारा इत्थे कैमरे च बंद करी जांदे आ, मुकर नहीं सकदे आपां। पर सोच समझ के बोलना चाहीदा, जिहड़ा बंदा जवाब दे सके, ये ना मगड़े भज जाए कदे गल आ गई सामने। तां साडा जय भीम 6 तों 6:30 बजे जो कि चलता है कांची टीवी, ये साडे गुरु घर दे है जो इंग्लैंड में चलता है, 200 कंट्री में दिल्ली जा रहा है, और बड़ा प्यार करते हैं गुरु रविदास महाराज की कृपा ना इस डेरे नूं दिखाते रहते हैं। ते दूसरा जय भीम अंबेडकर दे नाल, बाकी ज्यादा मैं पढ़िया नहीं, मैनूं कहना नहीं आउंदा। लुधियाने तो पार्टी आई है, वह भी अंबेडकर दे नाते है, शक्ति साहब दस देणगे। मैं पहलां दस्सिया कि जे ना बोलना होवे, ना कहे होवे, तो बोलना ही नहीं चाहीदा, की पता बच्चे रिकॉर्ड हो जाना ना, इहदे नालों गल भरावा इह चंगी आ, मुकरना चंगा पे मैनूं आउंदा नहीं। जय करदे ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਬੋਲੇ ਈਸ਼ੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬੋਲੇ ਈਸ਼ੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬੋਲੇ ਈਸ਼ੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬੋਲੇ ਈਸ਼ੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤੋ ਮਹਾਤਮੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਆਦਰਣੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਡੇਰਾ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ श्री गुरु रविदास तीर्थ स्थान सचखंड पांडवा नज़दीक फगवाड़ा विखे अज सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होया महावाका अनुसार तन तन सतगुरु नानक दे महाराज जी दे 550वें प्रकाश दिहाड़े की खुशी नूं मुख रखते हुए देश ते विदेश दीआं समूह संगतां वलों किरत कमाई नूं सफला करते हुए परसों रोज तो डेरा सचखंड पांडवा विखे 11 श्री अखंड पाठ साहब जी की लड़ी प्रारंभ हुई। गुरु प्रसाद संगत जी रात दीवान होए, अज दीवान सजाए गए जिस विच रागी ढाडी बुद्धिजीवी शख्सियत ने गुरु प्रसाद संगत जी हाजरी भरी है। सतगुरु नानक देव महाराज जी के
आगमन दिशते गुरु प्रसाद संघ जी श्री गुरु रविदास साधु संपदा सोसायटी रजिस्टर्ड पंजाब के महापुरशा ने अनेक महापुरशा ने दूर डेढ़ संगत ने आके गुरु प्रसाद संघ जी समागमों के हाजरी भरी है। तिने ही दिन डेरे विखे खूब रौनक लगिया हुई सी। दूर डेढ़ संगत ने आके हाजरी भरी है। गुरु प्रसाद संघ जी अज बहुत बड़ा समागम होया है धन धन सतगुरु नानक देव महाराज जी की याद के अंदर। सोदास धन धन डेरा संत बाबा हंसराज जी महाराज श्री गुरु रविदास तीर्थ स्थान सचखंड पंडवा दे मौजूदा गद्दी ते विराजमान परम पूजनीक एक्सवर संत बाबा महेंद्र पाल जी चेयरमैन श्री गुरु रविदास साधु संपदा एक्सोसायटी रजिस्टर्ड पंजाब एक्सवर संत बीबी विमला राणी जी वालों अते डेरे की समूह प्रबंधक कमेटी वालों देश ते विदेश दीआं समूह संगतां नूं अरदास सतगुरु नानक देव महाराज के आगमन गुरपुरब की लख लख फिर तो एक बार बधाई दिंदा है जी। अते जिन्हां जिन्हां संगतां ने डेरे विखे सतगुरां दी याद के अंदर सतगुरां दी बाणी दे जाप करवाए समूह संगतां दा अरदास अपने वालों महापुरशां वालों कोटन कोट धन्नवाद करदा होया जी। समूह संगतां दा जय गुरदेव धन गुरदेव वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।